सोमवार पर शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रावण मास के पहले सोमवार को भोले भंडारी नीलकंठ महादेव मंदिर की आराधना मंदिर साथी घरों में जारी रही। शिवालय मंजा दुग्धाभिषेक किया, घरों में पूजा अर्चना कर भक्ति की गई। श्रावण मास के पहले सोमवार को श्रद्धालु उपवास रहे। कोई सुबह 5 बजे भोले बाबा के दरबार में शीश नवाने पहुंचा तो किसी ने व्रत रखा। सावन माह के पहले सोमवार को राजेश्वर मंदिर पर मेला लगा। सुबह से यहाँ श्रद्धालु उमड़ पड़े भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। हाथों में पूजन सामग्री में प्रतीक्षा की मन ही मन अभिलाषा। शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में रह रहकर महादेव और भोले बाबा के महान कामेश्वर मंदिर, बल्केश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर पर जल दुग्धाभिषेक के साथ बेलपत्र अर्पित करके लिए तड़के से ही घंटों भक्त लाइन में लगे रहे। भक्तों ने भंडारी के जय जयकार लगाए। 5 बजे से ही भोले बाबा की भीड़ जुटना शुरू हो गई। दीप प्रज्वलन SP सिंह बघेल, पूर्व मेले के चलते राजपुर चुंगी से लेकर मंदिर अदम विश्वास, भगवान सिंह के दर्शन, महादेव, कैलाश, रावली, पृथ्वीनाथ, ओसनाथ, महा के पहले सोमवार को जहाँ राजेश्वर मंदिर में लगे मेले के चलते उमड़ी भारी भीड़ ने दिन भर जाम के हालात पैदा कर दिए। वहीं रावली महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ के कारण दिन में कई बार जाम के हालात पैदा हो गए। राजेश्वरी तक दोनों ओर सजी दुकानों ने उद्घाटन के बाद शोभा यात्रा निकाली और भीड़ के चलते शमशाबाद मार्ग पर लोगों ने पूरे दिन जाम झेलना पड़ा। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। मेरा नाम है तरुण गुप्ता, भाजपा पार्टी मोर्चा कार्यमंत्री। भक्तों का जन सैलाब हुआ उमड़ा हुआ है। पहले आप सावन का सोमवार है, भक्तों में बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। हमने भक्तों के लिए प्याऊ लगवाई है पानी और दूध की। यहाँ भक्त परेशान होते, गर्मी के अंदर आएंगे, ठंडा जल पियेंगे, ठंडा शरबत पियेंगे, उनको करना होगा। भक्तों बहुत उत्साह है सावन के मास के। अब की बात, पहली बार 16 साल बाद दो महीने का सावन के सोमवार पड़ रहे हैं, मतलब 8 सोमवार पड़ रहे हैं 2 महीने के। कितना भीड़ मंदिर में? बहुत उत्साह है, मकसद है, हजारों की संख्या में भक्त जो है। सावन का आज पहला सोमवार है, मनकामेश्वर मंदिर पर काफ़ी भीड़ मौजूद है। हम लोगों ने सभी एक्सेस कंट्रोल पॉइंट्स पे बैरिकेडिंग लगाई हुई है, बैरियर्स पे ड्यूटी लगाई हुई है। जो कावड़ वाले आ रहे हैं उनके लिए भी मार्ग में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमने शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई गई है। सभी जोन्स और सेक्टर में डिवाइड किया गया है मंदिर प्रांगण को और अन्य पूरे शहर को। मैम, देखा जाता है भीड़ को देखते हुए छोड़ के सक्रिय हो जाते हैं, उन लोगों के लिए किस तरह से हम लोग देख रहे हैं? मनकामेश्वर मंदिर के बाहर ही हमने एक अस्थायी चौकी बनाई है, जिसे खोया पाया केंद्र और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए हमने बनाया है। तो जो भी बच्चे कोई बिछड़ जा रहे हैं या किसी तरह की कोई शिकायत आ रही है, चोरी की, पर्स छीनने की, तो उन सभी समस्याओं के लिए हमने बाहर अस्थायी चौकी बनाई है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहली चीज तो मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूँ कि आज पहला सोमवार नहीं है, ये श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। सबसे प्रमुख बात है, अमूमन करके लोग सावन को जो है 4 जुलाई से शुरू मान रहे हैं, लेकिन हमारे मनकामेश्वर मंदिर में पूर्णिमा से पूर्णिमा पर्यंत तक श्रावण की अनुष्ठान की जो है पूर्णकालिक सेवाएं चलती है। तो अनुष्ठान की जो पूर्णकालिक सेवाएं चलती हैं उसमें श्रावण गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ है, अर्थात 3 जुलाई से, और 3 जुलाई से प्रारंभ होकर के 30 अगस्त तक जाए। तो आप सब लोगों को श्रावण मास के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने श्रद्धालु की मनकामेश्वर मंदिर में भर रही है, कितना सैलाब यहाँ से? सैलाब तो आप देख ही सकते हैं, आप जब आए होंगे तब स्थिति क्या रही होगी। तो कहने का अभिप्राय ये है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और केवल आगरा शहर की नहीं, आगरा मंडल की नहीं, बल्कि कई प्रदेशों की, क्योंकि अभी जो है कट्टा आता राजस्थान से, धौलपुर इत्यादि से, तो कट्टा चल करके आएगा और यहाँ पे लोगों का सैलाब अपनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत में रहेगा। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों से ये उम्मीद है 2 से 3 विषयों पर। पहली चीज, मोबाइल का प्रयोग वर्जित है, मोबाइल ना लेकर के आए, मंदिर के अंदर रील ना बनाए, वीडियो ना बनाए, फोटो ना खींचे। दूसरी आप लोगों से अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी दर्शकों को, बाबा के भक्तों को, कि मनकामेश्वर मंदिर आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर आने से पहले आपके क्षेत्र में जो देवता है, जो मंदिर है, वहाँ भी रोज नियमित रूप से जाइए, क्योंकि वो आपका क्षेत्राधिकारी है और उसको जाकर के भी मनाइए। और तीसरा भैया, अपने सनातन की व्यवस्थाओं को करिए, उस मंदिर में कम से कम 20 से 25 मिनट रोजाना दीजिए, बाबा का आपका भजन और आपकी पूजा सार्थक होगी। आज के दिन क्या अर्पण किया जाता है बाबा को? सबसे प्रमुख बात है, भगवान शंकर को अर्पण करने के लिए कुछ भी आप लेकर के आइए,
जल इत्यादि जो कुछ भी आप लेकर के आने चाहते हैं वो आप लेकर के आइए, भगवान शंकर उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। चूँकि सावन का महीना है और सावन के महीने में भगवान शंकर को जलाभिषेक बहुत प्रिय है, जलार्चन अर्थात भगवान शंकर का जल के द्वारा अर्चन बड़ा प्रिय है, क्योंकि भगवान शंकर ने सावन के महीने में जल को जो है विष का हलाल का पान किया था और पान करने के कारण से जो है उनका ताप बढ़ा, तो देवताओं ने उनके ऊपर अभिषेक किया। जब देवताओं ने अभिषेक किया तो उनको शांति मिली और उनको प्रसन्नता मिली। तो इसलिए सावन मास में पूरे सावन पर्यंत अगर हो सके तो एक जल का लोटा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। लेकिन अगर मन में हो छल तो क्या करेगा एक लोटा जल, तो इसलिए प्रेम से एक लोटा जल चढ़ाइए और बाबा का आशीर्वाद दीजिए। जो व्रत रखते हैं उन लोगों के लिए क्या महत्व रहता है? देखिए व्रतोत्सव, व्रतोत्सव के अंतर्गत में जो लोग सावन मर व्रत के माध्यम से, फल के माध्यम से, जो जो जिसके माध्यम से व्रत रखता है उसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा होती है। और भगवान शंकर हमारे यहाँ कहा जाता है आठों सिद्ध जाके नवों निद्य जाके भरी रहे रिद्ध जाकी प्रसिद्धियों बटा करें। तो भगवान सब कुछ देने वाले हैं, मान सम्मान यश ऐश्वर्य वैभव धन संपदा कीर्ति प्रतिष्ठा भगवत कृपा सब कुछ जो आपको चाहिए वो मिलेगा। लेकिन आपके व्रत में जैसा कि मैंने कहा मन में छल नहीं होना चाहिए, मन में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, मन में कोई निंदा नहीं होनी चाहिए। उसके अनुरूप अब आप लोटा जल चढ़ा रहे हैं लेकिन मन में क्रोध कर रहे हैं घर परिवार वालों के ऊपर, तो क्या करेगा लोटा का जल? इसलिए क्रोध को त्यागिए, जो हमारी बुराइयां हैं उन सबको त्यागिए और उसके बाद में भगवान के लिए आप ये व्यवस्था व्रतोत्सव जो है स्थापना करिए। मंदिर में शाम को लेकर किस तरह से आज बाबा का शंकर? देखिए चार सोमवार है हमारे यहाँ, एक ब्रह्म की और स्थिति को मैं आपको दूर कर दूँ। इस बार सावन चूंकि दो महीने का है तो दो महीने के सावन में मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 15 दिन इधर के लेने और 15 दिन बाद के लेने, नहीं, जो सावन का व्रत करने वाले लोग हैं उनको पूरे 9 सोमवारों का व्रत करना है। बल्कि हमारे यहाँ 3 जुलाई को जो निकला है वह भी करना था, आज का भी करना है और पूरे के पूरे जितने सोमवार पड़ेंगे 30 अगस्त तक, उन 30 अगस्त तक पड़ने वाले दोनों महीनों के सभी सोमवारों का आपको व्रत करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अनुष्ठान काल की जो पूजा सेवा है उनको दो महीने तक उनको ये सारी पूजा सेवा करनी है। सावन मास का आज ये दूसरा सोमवार है, सावन मास को इस बार 2 महीने का सावन मास कहा जा रहा है। सावन मास का ये दूसरा सोमवार है, हमने अभी मनकामेश्वर महंत योगेशपुरी महाराज जी से बात की, उन्होंने कहा ये प्रथम सोमवार नहीं सावन मास का दूसरा सोमवार है। हम इस समय सावन जो का महीना होता है महादेव का उसमें बहुत महत्व माना जाता है पूजा अर्चना, और सावन का ये दूसरा सोमवार में इस समय जो आगरा के जितने भी सेवालय सारी तारक में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, इस समय हम आगरा के मनकामेश्वर मंदिर में खड़े हुए किस तरह से सुबह से ये पट खुलने के 4 बजे से लगभग श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ बाबा मनकामेश्वर मंदिर में पहुँच रही है। मैं किस तरह से दिखाना चाहूँगा किस तरह अपने हाथों में जल का लोटा लेकर दसवें बेल पर बाबा को अर्पण करने की हजारों तारक में किलोमीटर से दूर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगभग सुबह से 4 बजे से हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर चुके हैं। सावन का महीना बहुत बाबा का खास माना जाता है, पूजा अर्चना करने से अर्चना करने से काफ़ी मनोकामना पूर्ण होती है। और पुलिस प्रशासन की एक बार हम बात करें तो पुलिस किस तरीके से पुलिस प्रशासन का यहाँ पर व्यवस्था है, पूरी तरीके से सिविल पुलिस और डिफेंस भी और महिला पुलिस भी यहाँ तैनात है। पुलिस बल बाकायदा महिलाओं को सब व्यवस्था को भीड़ों को देखने में लगी, जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए थे कि मंदिरों में पुलिस प्रशासन की पूरी रूप से व्यवस्था रहेगी, यातायात को भी लेकर उन्होंने बात कही थी पूरी तरीके से बिल्कुल व्यवस्था सुचारू मानी जा रही है। मनकामेश्वर मंदिर में काफ़ी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है, तालाब में श्रद्धालु बाबा को यहाँ जल अर्पण करने के लिए और पहुँच रहे हैं। देखिए किस तरीके से श्रद्धालु अपने हाथों में बाबा का जल का लोटा फूल माला लेकर यहाँ मनकामेश्वर मंदिर में पहुँच रहे हैं। काफ़ी महत्व सावन का महीना माना जाता है, इस बार सावन का महीना 2 माह का पड़ रहा है, जुलाई और अगस्त 30 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा, जैसा अभी मनकामेश्वर महंत योगेशपुरी ने बताया। और जितने भी सोमवार इस बार सावन के महीने में पड़ेंगे हमें फूल से बाबा की सेवा करनी है, और चारों जो 8 सोमवार इस बार बाबा के पढ़ेंगे उसमें व्रत रखना है, ना कि ये पहला सोमवार है, ये दूसरा सावन का सोमवार माना जा रहा है। और ये बेलपत्ती और फूल माला एक लोग का जल अर्पण करने से बाबा प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से, और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूर्ण करते हैं। मनकामेश्वर मंदिर से अमन गुप्ता आगरा समाचार 24।